नमस्कार दोस्तों, आज से मैं शुरू करने जा रहा हूँ वैज्ञानिक उपकरण एवं उनके उपयोग, साइंटिफिक इंस्ट्रूमेंट्स एंड यूज। बहुत सारे एग्जाम्स में पूछे जाते हैं और सबसे ज्यादा दिक्कत स्टूडेंट्स को इसी सेक्शन में होती है। तो चलिए बिना देरी के इसको शुरू करते हैं और मैं आपको याद कराता हूँ चुटकियों में। पहला है अमीटर। देखिए अमीटर को आप कैसे याद कर सकते हैं, बहुत आसान है कि आप क्या कीजिए कि यहाँ से आप पकड़िए अम्मी, अम्मी से बनाइए आप अम्मी। अब आप जानते हैं अम्मी हम बोलते हैं मम्मी को यानी अम्मा को, और अपने घर में जब अम्मा बिजली का मीटर होता है उसको देखती है तो बच्चे को क्या कहते हैं, बेटा बिजली के मीटर से दूर रहे। तो अम्मी तर से बनाइए आप अम्मी का मीटर है, और जो कि एक आम मीटर है और ये होता है घर में बिजली का, कहीं ना कहीं इससे कनेक्शन आ रहा है बिजली का। तो आपको बहुत आसानी से याद आ जाएगा कि बिजली यानी विद्युत धारा के मापन के लिए अमीटर का इस्तेमाल होता है। अमीटर मेजर्स इलेक्ट्रिक करंट। अगला है अल्टीमीटर। देखिए अल्टीमीटर जो होता है वो उसको कैसे याद करेंगे, कहीं ना कहीं यहाँ पे अल्टी छुपा हुआ है, तो अल्टी से आप या बनाइए अल्टीमेट। अल्टी से आवाज आती है अल्टीमेट की, और आपको पता है कोई भी आदमी जिंदगी में अल्टीमेट मेहनत करता है किसी भी चीज में तो वो सफलता की ऊंचाई प्राप्त करता है। तो यहां से हमें ऊंचाई मिल रहा है, और यहीं से हमें मिल जाएगा कि विमानों की ऊंचाई मापने में प्रयुक्त यंत्र जो है अल्टीमीटर है। तो अल्टीमीटर मेजर द एटीट्यूड ऑफ एन ऑब्जेक्ट अबव ए फिक्स्ड लेवल, बेसिकली यूज्ड इन एरोप्लेन्स। और यहाँ इंग्लिश में देखना चाहे तो यहाँ पे भी अल्टी आ रहा है और अल्टीट्यूड के अंदर भी अल्टी आ रहा है। पर बाकी आप ऐसे याद करें अल्टीमीटर से, अल्टीमेट मेहनत करोगे तो सफलता की ऊंचाई यानी विमानों की ऊंचाई में नापने में प्रयुक्त यंत्र। अगला है एक्सीलरोमीटर। ठीक है एक्सीलरोमीटर क्या होता है, आप कहीं ना कहीं इसमें एक्सीलरेशन छुपा हुआ जिसका हिंदी में अर्थ होता है त्वरण। तो गाड़ी का एक्सीलरेटर भी गाड़ी को त्वरित ही करता है, तो बस यहीं से पकड़ लीजिए कि त्वरण को मापने के लिए यानी वाहन की चाल की वृद्धि दर को मापने का एक यंत्र होता है एक्सीलरोमीटर, याद आ जाएगा आपको। अगला है आपका एक्यूमुलेटर। तो देखिए एक्यू को पकड़ेंगे हम यहां से और याद करेंगे बिल्कुल आसानी से कि एक्यूमुलेट करने का अर्थ ही होता है स्टोर करना, लेकिन हम ऐसे करेंगे इसको बोलेंगे एक्यू को, एक्यू स्टोर करता है बिजली को। तो कहीं ना कहीं बिजली को ऊर्जा को स्टोर करने की बात हो रही है, संचय करने की बात हो रही है। तो विद्युत ऊर्जा को संचित करने का एक यंत्र है, एक तरह की बैटरी है एक्यूमुलेटर, एक्यू स्टोर करता है बिजली को। अगला है अल्टरनेटर या जनरेटर, दोनों में थोड़ा थोड़ा सा फर्क है वो मैं आपको बता दूंगा। यहाँ पे आपको कुछ अल्टरनेटर या जनरेटर दिख रहे हैं, और इनका क्या काम होता है, ये यांत्रिक ऊर्जा को विद्युत ऊर्जा में बदलते हैं। तो बहुत ही आसान है, जनरेटर आपको पता है बिजली जब हम लगाते हैं शादी वगैरह में, तो जब बिजली चलाते हैं जनरेटर को ऑन करते हैं, वही अल्टरनेटर भी वही कहलाता है। थोड़ा सा फर्क है इन दोनों में तो वो मैं आपको बता देता हूँ, वो क्या है कि देखिए जो जनरेटर होता है उसके अंदर तो जो आपका आर्मेचर होता है वो घूमता है, और जो आपका मैग्नेटिक फील्ड है यानी चुंबकीय क्षेत्र है वो स्थिर रहता है, और जबकि दूसरा जो होता है वो उसके अंदर उल्टा होता है कि म्यूचुअल जो आपका चुंबकीय क्षेत्र है वो आपको घूमता है और जो आपका आर्मेचर है वो स्थिर रहता है। ये मैंने यहाँ पे फर्क भी बता दिया। तो जो है ये यांत्रिक ऊर्जा को विद्युत ऊर्जा में बदलता है। दोस्तों अब लगाते हैं एक टेस्ट कि आपको अभी मैंने 5 बताए ये याद हुए या नहीं। तो देखिए विद्युत धारा मापन के लिए किस यंत्र का उपयोग होता है, तो याद कीजिए मैंने बताया था। तो देखिए इसका सही जवाब है अमीटर, अम्मी का मीटर जो घर में होता है, बिजली का मीटर उसी की तरह से ही आपको कनेक्शन याद आ जाएगा। अगला है विमानों की ऊंचाई मापने हेतु किस यंत्र का उपयोग होता है, तो इनमें से आप देखेंगे तो कहीं ना कहीं आपको पकड़ में आ ही जाएगा कि अल्टीमेट मेहनत करोगे तो सफलता की ऊंचाई यानी ऊंचाई को कनेक्ट कर लीजिए यहां से। अगला है वाहन की चाल की वृद्धि दर को मापने का यंत्र होता है, यानी त्वरण की बात हो रही है, त्वरण को मापने के लिए आपको मैंने बताया था एक्सीलरोमीटर, जैसे गाड़ी में एक्सीलेटर होता है उस पर पैर दबाते हैं तो गाड़ी की स्पीड बढ़ जाती है, ऐसी एक्सीलेटर वहीं से आप कनेक्ट कर लीजिए। अगला है विद्युत ऊर्जा को संचित करने का यंत्र एक बैटरी है, निम्न में से कौन सी है, तो देखिए यहां पे एक्यूमुलेटर जो है वो ऊर्जा को संचित करने का काम करता है, एक्यूमुलेट एक्यू स्टोर करता है बिजली को, या आप एक्यूमुलेट को आप पकड़ सकते हैं, उसका हिंदी में अर्थ भी स्टोर करना ही होता है। अंतिम है अल्टरनेटर या जनरेटर का कार्य है, तो निम्न में से कौन सा सही है, देखिए आप तो मैंने बताया था जनरेटर सबसे पहले बिजली लाता है, तो इधर तो आपको ये विद्युत ऊर्जा में बदलना या तो ये ऑप्शन होगा, या ये तो बिल्कुल ही आसान हो गया क्योंकि एक ही ऑप्शन ऐसा है जो यांत्रिक ऊर्जा यानी कोई घूमती हुई चीज उससे हम जो है विद्युत ऊर्जा को पैदा कर रहे हैं यानी स्टोर कर रहे हैं, बना रहे हैं, हमें बिजली मिल रही है। दोस्तों आज के लिए इतना ही, आगे के वीडियोस में हम पूरे आगे रोज 5-5 टॉपिक्स ये जो हैं यंत्र कवर करेंगे। यदि आपको मेरा वीडियो पसंद आया तो उसको लाइक कर दें, शेयर कर दें, सब्सक्राइब कर दें। आज के लिए इतना ही दोस्तों, गुड बाय।